हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 13 डिस्कस कर लिया था आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 14 की सेक्शन 14 क्या कहता है इसके क्या एलिमेंट्स हैं और कैसे ये सेक्शन इम्पॉर्टेंस रखता है इस पूरे एक्ट में इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं और वो इन्फॉर्मेशन है ये एंड द इन्फॉर्मेशन इज कि मेरा अन अकेडमी प्लस के ऊपर जुडिशरी का लिमिटेशन का कोर्स लॉन्च हो गया है तो अगर आप मुझसे जुडिशरी की लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं लिमिटेशन एक्ट पढ़ना चाहते हैं या कोई और लॉ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है अन अकेडमी ऐप के ऊपर आपको मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी जिसमें आप अलग अलग टॉपिक्स मुझसे पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप लिमिटेशन आज पढ़ना चाहते हैं तो लिमिटेशन के लिए आप अन का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेज कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है एंड द कोड इज़ एस ए वी वाई टेन इस कोड को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पर किसी भी कोर्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यू विल गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन द प्राइस तो जो भी प्राइस होगा उसका टेन परसेंट ऑफ आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड ऑल राइट इसके साथ साथ इसके साथ साथ आप इस कोड को यूज कर सकते हैं मेरी फ्री क्लासेस को एक्टिवेट करने के लिए भी अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके अगर आप मेरी फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए जुडिशरी एग्जाम 360 सिक्सटी यूट्यूब चैनल को क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस होती हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल यहाँ पे आपको मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस मिल जाएंगे जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए हैं डेली मेरी लाइव क्लासेस होती हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऑल एंड यूट्यूब पर जुडिशी एग्जाम थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ साथ बेलाइकन को प्रेस कर देना टेलीग्राम पे आप ऐट द रेट जुडिशरी एग्जाम थ्री सिक्सटी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे मेरी आने वाली सारी क्लासेस का जो प्रॉपर स्कैड्यूल होता है वो मिलता रहता है तो यहाँ आप टेलीग्राम पे जब फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी क्लासेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी अकेडमी प्लस के ऊपर अगर आप जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं अन अकेडमी प्लस के ऊपर अगर आप ज्योडिस्टी का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ जुलाई से प्राइज़ हाइक होने वाला है एंड देट वुड बी नाइन परसेंट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई तो उससे पहले आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं कोड मैंने आपको बता दिया कौन सा कोड आपको यूज़ करना है टू गेट टेन परसेंट ऑफ मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल को देख सकते हैं तो आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में और अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन फोर्टीन तो हम लोगों ने कल बात कर ली थी किसके बारे में कल हम लोगों ने जो पूरा डिस्कशन किया था दैट वॉज अबाउट वो किसके बारे में था सो so, वो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था सेक्शन थर्टीन के बारे में और अब हम किसके बारे में बात करेंगे सेक्शन फोर्टीन के बारे में तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन फोर्टीन जो है बेसिकली ये क्या कहता है तो देखिए यहां पे जो सेक्शन फोर्टीन है ये बेसिकली बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स की नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिबल ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल नहीं होते मैं आपको एक पॉइंट यहां पे क्लियर कर दूं कि दिस दिस इज इज एन किडेड सेक्शन तो स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो आया था उसके बाद ये सेक्शन अमेंड हो गया था तो हम अमेंडेड सेक्शन को ही अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें मैं क्या कौन कौन से पॉइंट बताऊंगा देखो दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इस सेक्शन को इस सेक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में एक सेक्शन 14 एंड सेकेंड वन इज सेक्शन 14 ए सेक्शन 14 ए जिसमें कि पावर ऑफ कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है सो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कोर्ट पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स तो यहां पे कोर्ट बेसिकली क्या कर सकता है यहां पे कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट्स को एंगेज कर सकता है स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 एटीन यहां पर रेलिवेंट है अब सेक्शन 14 की जब मैं बात करूंगा तो सेक्शन 14 में सिंपली हम चार पॉइंट्स यहां पे हमें देखने हैं ठीक है थीके? चार पॉइंट्स हमें मेनली समझने हैं और वो चार पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये देखिए ए बी सी एंड डी सो 14 ए 14 बी 14 सी एंड 14 डी इज इट क्लियर इन चारों पॉइंट्स को देखकर हमें समझना है तो so 14 ए किसके बारे में है 14 बी किसके बारे में है इन सारी पार्टीज इन सारी पॉइंट्स को अभी मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ठीक है नाउ सेक्शन सबसे पहले आप सेक्शन 14 की हेडिंग पे फोकस कीजिएगा कि सेक्शन 14 की जो हेडिंग है वो क्या कहती है तो हेडिंग पे साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल जो कि स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं हो सकते उनके बारे में लिखा हुआ है यहां पर तो यह देखिए फोर्टीन ए में सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है वह यह लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टी ने वेरे पार्टी टू द्रैक्ट टू द्रैक्ट हैज ऑप्टेड क्या ले लिया हो अगर पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट ने हैज ऑप्टेन्ड सब्सटी परफॉर्मेंस गेटिंग माई पॉइंट सब्सटी परफॉर्मेंस हम प्रॉपर अमेंडमेंट के साथ ही इस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं ठीक है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया हो और साथ में यहां एक और सेक्शन का रेफरेंस आया है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विथ of contract in accordance with section 20 to yahan pe section 20 of the specific relief act iska reference de rakha hai is that clear baat samajh mein aayi section kaun sa aa gaya yahan pe this is section 20 और यहाँ पे mainly किसके ऊपर focus किया गया है Focus किया गया है substituted performance के ऊपर अब देखिए आप इसको समझिए कि ये सेक्शन जो है बेसिकली कहना क्या चाह रहा है अगर दो पार्टीज हैं एक बायर है और एक सेलर है दोनों के बीच में पहले एग्रीमेंट हो गया ठीक है इज इट क्लियर दोनों के बीच में पहले एग्रीमेंट जो है वो हो चुका है उसके बाद अगर सेलर की साइड से डिफॉल्ट होता है तो जब सेलर की साइड से डिफॉल्ट होता है तो अब बायर क्या करेगा ठीक है अब बायर सबसे पहले उसको देगा नोटिस उसको देगा नोटिस यह नोटिस दिया था थर्टी डेज का एटलीस्ट कि वो अपनी उस ब्रीज को रेक्टिफाई करे परफॉर्मेंस कर दे अगर अब सेलर की साइड से अभी भी मान लो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो बायर जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करवाना चाहता है अब उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अगर किसी थर्ड पार्टी से हो सकती है गेटिंग माई पॉइंट जो पहले कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं थी लेकिन अगर अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर सकती हैं, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बेसिकली कौन सी पार्टीज कर सकती हैं तो मैं ये बोलूं कि मान लो कोई एजेंट है बायर ने कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर सकता है या फिर मैं बोलूं कि अगर कोई थर्ड पार्टी है वो उस ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकती है ठीक है देर इज ए थर्ड पार्टी तो अगर थर्ड पार्टी उस ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकती है तो इस केस में क्या होगा इस केस में हम इस सिचुएशन को बोलेंगे सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस नाउ दिस सिचुएशन इज नोन एज Substituted परफॉर्मेंस गेटिंग माई पॉइंट आई आपको मेरी बात समझ में अब यहां पे जिसको परफॉर्मेंस करनी थी उसने परफॉर्मेंस नहीं किया लेकिन जिन और लोगों ने परफॉर्म कर दिया अब इन्हें तो पेमेंट लेने का राइट है बिल्कुल राइट है इनका तो बायर ये किससे डिमांड कर सकता है ये अमाउंट किससे डिमांड कर सकता है ये अब वो सेलर से डिफॉल्ट डिमांड कर सकता है बेसिकली डिफॉल्टिंग जो पार्टी है उससे ये अमाउंट जो है वो डिमांड किया जा सकता है इज दैट क्लियर आई मेरी बात समझ में और इसी को हमने नाम दे दिया किसका सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस जिसकी परफॉर्मेंस देने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया सो इन दैट सिचुएशन परफॉर्मेंस जो है वो किसी और पार्टी से करवाई जा सकती है तो जब आप किसी और पार्टी से करवा लोगे एंड दैट पार्टी कुड बी एन एजेंट या वो एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है तो उस सिचुएशन में हम सिंपली क्या बोल देंगे सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सिंपली से कि अब ये हो गई सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस लेकिन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवाने के लिए जिसमें सेक्शन 20 का भी रेफरेंस है जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे बायर को या वो पार्टी जिसकी तरफ डिफॉल्ट हुआ है जिसके साथ डिफॉल्ट हुआ है वो पहले सेलर को थर्टी डेज का प्रॉपर नोटिस देगी और उसके बाद वो ऐसा करवा सकती है तो यहां पे ये बात समझ में आ गई सो कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली एनफोर्सिबल इसका ये ए पॉइंट हमने डिस्कस किया अब बी पॉइंट हम देखते हैं अब बी पॉइंट में ये देखेंगे कि यहां पे अगर परफॉर्मेंस के साथ में क्या इन्वॉल्व हो परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी ठीक है विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज जिसको कोर्ट क्या नहीं कर सकता जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं होगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्टिनियस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज अब इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि यहां पे इस बेसिकली कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है अब देखो अब समझिए कि यहां पर दे आर टू पार्टीज एक पार्टी है अमर और दूसरी पार्टी है यहाँ पे प्रेम अमर और प्रेम यहाँ पे दो पार्टीज हैं और अमर यहाँ पे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है एक कॉन्ट्रैक्टर है और ठीक है अमर जो है वो एक प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है ठीक है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का या लैंड का ओनर है तो क्योंकि वो लैंड का ओनर है तो उसने प्रेम से बात करी वो प्रॉपर्टी का ओनर है और ये कॉन्ट्रैक्टर है और उसने ये बोला कि देखो ये बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का आपको कंस्ट्रक्शन करना है क्लियर आई मेरी बात समझ में ये बोल दिया कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है वो आप कर दीजिए सो हु इज गोइंग टू डू द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन किसको करना है कंस्ट्रक्शन करना है इस कॉन्ट्रैक्टर को और यहां पे इस कॉन्ट्रैक्टर की साइड से क्या हुआ इस कॉन्ट्रैक्टर की साइड से अगर डिफॉल्ट हुआ है तो जब इसकी साइड से डिफॉल्ट होगा तो यहां पे अब बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए देर आर सर्टेन डायरेक्शंस उसके लिए क्या है कुछ डायरेक्शंस भी हैं अब अमर ने क्या किया प्रेम के ऊपर केस फाइल कर दिया और अमर ने प्रेम के ऊपर केस फाइल करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर ली तो जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहां पे डिमांड कर ली तो कोर्ट ने सिंपली क्या कहा कि कोर्ट इसको सुपरवाइज नहीं कर सकता कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज इट यहां पे कोर्ट का सुपरविजन नहीं हो सकता कोर्ट डेली मॉनिटर नहीं कर सकता कि वो जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो आपने जैसा बताया वैसे कंस्ट्रक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा तो इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती अब मान लीजिए एक एग्रीकल्चर लैंड है एक एग्रीकल्चर लैंड को जो उसका ओनर है वो कल्टिवेशन के लिए किसी फार्मर को देता है और मान लीजिए वो उस लैंड को लीज पे दे देता है लेकिन वो बोलता है कि इसका जो कल्टिवेशन करोगे ना जैसे मैंने बताया है वैसे ही कल्टिवेशन करना है इसका तो ये बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है और यहां पे जो लैंड का ओनर है जो एग्रीकल्चर लैंड का ओनर है वो कोई केस फाइल नहीं कर सकता कि मैंने तो इस तरीके से कहा था कि लैंड को यूज करना है और आप उस तरीके से लैंड को यूज नहीं कर रहे कल्टीवेशन के लिए जो मैंने स्पेसिफिक मेथड जो प्रोसेस मैंने बताया था उसी प्रोसेस को फॉलो करना है और कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो कोर्ट बोलेगा दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कोर्ट उसको डेली जाकर सुपरवाइज नहीं कर सकता कि जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग ही क्या आप परफॉर्म कर रहे हो ये पॉसिबल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देता अच्छा मैं ये एग्जाम्पल दूँ कि अगर मान लीजिए एक एक पर्टिकुलर एक हाउस है और हाउस का जो ओनर है उसने हाउस को रेंट पे दे दिया है और ये बोलता है वो अपने टेनेंट को कि जो ड्राइंग रूम है उसको आपको एक स्पेसिफिक मेथड से या एक स्पेसिफिक शेप में रखना है उसको ड्राइंग रूम को ऐसे ही मेंटेन करना है जब तक आप रहोगे तब तक आपको उसको ऐसे ही मेंटेन करना है क्या ये पॉसिबल है तो कोर्ट बोलेगा ये तो एक कॉन्टीन्यूस ड्यूटी है जो कि पॉसिबल नहीं है तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो प्रेम के अगेंस्ट में यहां पे दे वोंट बी एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दीज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड ठीक है बिल्डिंग बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसमें इट टेक्स टाइम टाइम कितना भी हो सकता है पुराने लॉज में तो टाइम ज्यादा हुआ करता था अभी जो नया जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इसमें ऐसा कोई टाइम लिमिट गिवन नहीं है तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्टीन्यूस ड्यूटी होगी तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पे नहीं कराएगा इज इट क्लियर उसके बाद उसके बाद देखिए ठीक है सेक्शन 14 का सेक्शन 14 का जो सी पॉइंट है इसको देखिए 14 सी और इसमें क्या बोला है इसमें यहां पे बात की गई है कि अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन है अगर आप बेरैक्ट से पूरे पॉइंट को पढ़ोगे तो तब आपको ये सारा सेक्शन का जो पार्ट है वो समझ में आ जाएगा फोर्टीन सी के लिए मैं एक बार आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूं कि बैराट में क्या लिखा हुआ है ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट इनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटीरियल टर्म्स तो अब अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व है तो कोर्ट बोलेगा कि हम इंजंक्शन लगा सकते हैं हम स्टे लगा सकते हैं कि कहीं वो और काम ना कर सके लेकिन हम उसको बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि देखो पर्सनल क्वालिफिकेशन जो है ना ये ये काम ऐसा है जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है ये उससे होता है अगर कोई सिंगर है तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि आपको तो ये कॉन्सर्ट करना ही करना होगा <coughs> क्योंकि आप उस सिंगर को ये नहीं बोल सकते कि तो आपको इस तरीके से ही ठीक है अब आप उसकी जो गाने की स्किल है आप उसके स्किल को मॉनिटर नहीं कर सकते आप जैसा उसको अच्छा लगेगा वो तो वैसे ही गाएगा और क्योंकि आप उसको ऐसा करने के लिए फोर्स करो तो हो सकता है कि वो अच्छा भी ना गाए तो जहां पे ऐसी पर्सनल क्वालिफिकेशन होती है ना वहां पे आप किसी भी पर्सन को बाउंड नहीं कर सकते यहां पे तो वो पर्सन ही अपना बेस्ट देगा तभी कुछ रिजल्ट जो है वो निकल कर आएगा इट टोटली डिपेंड्स ऑन सच पर्सन इज ए क्लियर आई मेरी बात समझ में ओके okay. उसके बाद आगे चलते हैं उसके बाद आगे चलते हैं एंड नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन डी अब सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ये बोलेगा कि इनके अगेंस्ट में हम स्टे लगा सकते हैं इंजंक्शन लगा सकते हैं कि जितना टाइम आपको दिया गया दिया था इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए उतने टाइम में ये कहीं और भी परफॉर्म नहीं कर सकते ये बात तो हम जरूर कर सकते हैं लेकिन वी कैन नॉट बाउंड देम कि आपको तो एक्टिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक्टिंग अगेन इज ए पर्सनल स्किल और कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी, भी अगर वो अपना बेस्ट नहीं देंगे तो कोर्ट यहां पे कुछ नहीं कर सकता लॉ ही कुछ नहीं कर सकता यहां पे इज दट क्लियर इसलिए लॉ में स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई है स्टे जरूर लगा सकता है इंजंक्शन जरूर लगा सकता है लेकिन लॉ में स्पेसिफिकली ये पॉइंट इसलिए मैंशन किया गया है फिर फोर्टीन डी की मैं बात करता हूँ फोर्टीन डी की मैं बात करता हूं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज इन इट्स नेचर विच इज इन इट्स नेचर डिटर मिनेबल अब ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलती तो इसको मैं समझा देता हूं ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल और यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं किसका यहां पे आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन सेवन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ठीक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यहां पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखो पार्टनरशिप एट विल है मान लीजिए पार्टनरशिप एट विल है और उस पार्टनरशिप एट विल में पार्टनर्स के पास चॉइस है वो जब चाहे तो उस पार्टनरशिप से क्या कर सकते हैं उस पार्टनरशिप से वो विद्रॉ कर सकते हैं गेटिंग माई पॉइंट जब चाहे तो यहां पे डिटर्मिनेबल है मतलब पार्टीज की मर्जी है पार्टीज की मर्जी है तो मैंने बोला ना पार्टनरशिप एट विल अच्छा दो लोग हैं दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बना ली और एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया लेट से उन्होंने एक फिल्म बनाने के लिए पार्टनरशिप कर ली दो लोगों ने मिलकर फिल्म कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में दोनों पार्टनर्स के पास में ये चॉइस है ये ऑप्शन है अगर वो चाहें तो उस पार्टनरशिप से क्या कर सकते हैं विड्रॉ कर सकते हैं अगर तीन पार्टनर्स है तीन में से दो पार्टनर चाहे तो दो पार्टनर विड्रॉ कर ले एक पार्टनर चाहे तो एक पार्टनर विड्रॉ कर सकता है इज दट क्लियर अच्छा अगर एक कोई कंपनी है जो अपना ब्रांड की फ्रेंचाइजी देती है और फ्रेंचाइजी वाले एग्रीमेंट में वो कंपनी क्लियरली बोल देती है कि हम जब चाहें तब हम हमारी फ्रेंचाइजी को विदड्रॉ कर सकते हैं यह हमारे पास ऑप्शन है कि विदाउट असाइनिंग एनी रीजन हम चाहेंगे तो फ्रेंचाइजी को विद्रॉ कर लेंगे तो यहां पे यह जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका नेचर क्या है डिटर्मिनेबल है दिस इज डिटर्मिनेबल तो यहां पे अब कोर्ट यह नहीं बोल सकता कि नहीं आपको तो पार्टनरशिप में रहना ही रहना होगा वो बोलेगा सर पार्टनरशिप एट विल थी

जो ए बी सी डी ये जो मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं ये आपको ज़रूर समझ में आए होंगे और इस सेक्शन 14 में और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो अब तक हमने 14 सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं बाकी वीडियोस का लिंक भी जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं बाकी वीडियोज़ को भी आप प्ले चेक कर सकते हैं जिससे आप बाकी वीडियोज़ को भी देख सकें और अपने नॉलेज को और इनहेंस कर सकें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को लाइक करना कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना मैं आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो में थैंक यू सो मच